स्त्रीजनों का सम्मान करने जा रही है। इसमें 80 वर्ष के 54 सदस्यों का और 90 वर्ष सोसाइटी अजमेर आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में अजमेर के वरिष्ठ जनों का सम्मान करने जा रही है। इसमें 80 वर्ष के 54 सदस्यों का और 90 वर्ष के और उससे ऊपर के लगभग 8 सदस्यों का सम्मान किया जाना है, जो शुरू हो चुका है, चल रहा है अभी। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन सोसाइटी को दान देते हैं, कुछ भी राशि छोटी सहयोग करते हैं, ऐसे भामाशाहों का भी सीनियर सिटीजन सोसाइटी सम्मान करने जाएगी। इसके पीछे भावना ये है कि ये हमारी विश्व की, हमारे शहर की धरोहर हैं वरिष्ठ नागरिक, उनका भी सम्मान होना चाहिए। वो अभी तक क्या नेग्लेक्टेड लाइफ जो है वो फील ना करें, इसलिए हम उनको सम्मान करके उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनका मॉरल बूस्टअप करते हैं और उन लोगों का उत्साह जीवन में जीने के प्रति बढ़ता है। ये मुख्य धारा लेके हम लोग चलते हैं। इन सब के सम्मान के बाद उनको हम भोजन कराएंगे अपने हाथों से, और भोजन करा के फिर उनको नेक भी देंगे, नेक देके विदाई करेंगे उनकी हम लोग। मैं कृष्ण कुमार गौड़, महासचिव सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर। आज हमारी संस्था सीनियर सिटीजन सोसाइटी द्वारा 1 अक्टूबर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1995 से लेकर के प्रतिवर्ष होता हुआ आ रहा है। आज के आयोजन में हम लोग करीब 50 से 60 जो है ना 80 वर्ष के लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं, और 10 लोगों को हम लोग 90 वर्ष वालों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ ही जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया है 2100 रुपये से ऊपर, उनका भी हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ, 6 साल तक ये मेरे साथ, अब मैं संरक्षक हूँ संस्था का, और ये हमारा संस्था का बहुत ही एक सबसे उच्चतम कार्यक्रम यही होता है। हालांकि संस्था के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो ये कार्यक्रम है एक विशेष उपयोगी कार्यक्रम है, और ये हमारी संस्था इसी नाम से जानी जाती है, सीनियर सिटीजन सोसाइटी। इसलिए हमारा भी फर्ज हो जाता है कि 1 अक्टूबर को हम लोग जो लोग 80 वर्ष से वृद्ध हो चुके हैं और उनका आयोजन करें। यह जो मेन उद्देश्य है, ये 80 वर्ष के जो लोग जिनको हम सम्मानित करें तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भाई संस्था के 1% लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे उन लोगों के अनुभव और उन लोगों का जो ज्ञान है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, और हम लोग जैसे ही लोगों के 80 वर्ष हो जाते हैं तो मन में एक आस्था होनी चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए। सब लोग इस बात के लिए एहसास करें कि हाँ, हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे अनुभव है, गुणों की खान है, हम उनको उनके बहुत कुछ हमारे को लेना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो लोग रिटायर हुए हैं वो अपनी सेवा काल में सबसे वरिष्ठतम पोस्ट के पर रहे हुए हैं, इसलिए उनका सेवा काल का तो अनुभव है ही, लेकिन उनके जीवन काल का ही बहुत अनुभव है। परिवार से सारे काम से निवृत्त हो चुके हैं, परिवार को किस प्रकार से चलाना चाहिए, क्या उनके अनुभव वगैरह हैं जिससे हमारे को सीख लेनी चाहिए, इस बात का मेन उद्देश्य आज के दिन हम लोग इस बात के लिए सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ शो करते हैं, और हम महसूस करते हैं कि हम भी 80 वर्ष के लोगों को सम्मानित करें और उनसे कुछ ज्ञान लें। इस प्रकार का आयोजन UNO द्वारा 14 दिसंबर 1990 को एक मीटिंग में आयोजित किया गया था, और सबसे पहले 1991 में 1 अक्टूबर को आयोजित किया गया। हमारी संस्था का गठन 1995 में हुआ, उस वर्ष से लेकर के प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन किया जाता रहा है। नाम सुरेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक सीनियर सिटीजन सोसाइटी।